हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एक सिविल इंजीनियरिंग का, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसका एमसीक्यू का सेट है ये एचएसबीटी का जो कल पेपर होने वाला है 6 अक्टूबर को, उसके लिए मैंने सेट तैयार किया है। इस वीडियो में मैंने यूनिट 1 और 2 कवर किया है। बहुत ज़्यादा कंटेंट होने की वजह से मैंने सिर्फ 2 यूनिट यहाँ पे कवर किया है। अगले वीडियो में मैं सारा कवर करूँगा। तो बहुत ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और एमसीक्यू देखता हूँ कि क्या क्या है। तो मैंने स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो अर्थक्वेक का है, अर्थक्वेक क्या है उसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। वायलेंट शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू एब्रप्ट रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज, ऑप्शन है लैंडस्लाइड, फ्लड, अर्थक्वेक और ड्रॉट। तो इसका अर्थक्वेक आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू रिकॉर्ड ग्राउंड वाइब्रेशन और सरफेस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज, तो ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, एनिमोग्राफ, नोमोग्राफ, बैरोमीटर। तो इसका आंसर होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम ग्राउंड वाइब्रेशन को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वेव्स ट्रांसमिटेड टू इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू लार्ज स्ट्रेन एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फोकस ड्यू टू अर्थक्वेक इज, कौन सा वेव है जो सभी डायरेक्शन में स्ट्रेन एनर्जी रिलीज करता है। तो इसमें ऑप्शन है ट्रेवर्स वेव, कॉस्मिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, सिस्मिक वेव। तो आंसर होगा सिस्मिक वेव। क्वेश्चन नंबर 4 है, इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अलोंग विद द इंटेंसिटी ऑफ मेजर्ड सिस्मिक शॉक इज इक्वल एट एवरी पॉइंट इज टर्म एज, ऑप्शन है मोनोमर, आइसोमर, आइसोमल और पॉलीमर। तो ऑप्शन सी इसका सही है। जहाँ पे भी ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होंगे मैं ज़रूर बताऊंगा। कोई कोई फर्जी ऑप्शंस हैं तो मैं नहीं बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और जहाँ इंपॉर्टेंट हैं वहाँ मैं बता दूंगा। द एग्जैक्ट पॉइंट और प्लेस इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ एट विच एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड फोकस सिस्मिक सेंटर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ एबव। तो यहाँ दोनों होंगे फोकस और सिस्मिक सेंटर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हो सकता है आपके जब क्वेश्चन आए एमसीक्यू तो कोई एक ही ऑप्शन आए, तो आपको दोनों याद रखना है, कोई भी एक आएगा आप टिक लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट ऑन द फॉल प्लेन वेयर स्लिप और मूवमेंट ऑकर्स प्लेट ऑकर्स इज नोन एज, हाइपोसेंटर, फोकस, सिस्मिक सेंटर, ऑल ऑफ द एबव। तो सारे के सारे इसमें आंसर होंगे, तो आंसर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। एक नोट मैंने लिखा हुआ है, फोकस और सिस्मिक सेंटर इज ऑल्सो नोन एज हाइपोसेंटर, तो इन दोनों को मिलाकर हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, तो यह भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट ऑफ द डैमेजिंग अर्थक्वेक हैव शैलो फोकस, उसका क्या रेंज है ये पूछा गया कि सबसे ज्यादा जो डैमेजिंग अर्थक्वेक है शैलो फोकस का क्या रेंज है उसका। तो पहला ऑप्शन है लेस देन 70 किलोमीटर, मोर देन 70 किलोमीटर, लेस देन 75 किलोमीटर, मोर देन 75 किलोमीटर। तो इसका जो रेंज है वो है लेस देन 70 किलोमीटर। क्वेश्चन 8, द पॉइंट और लाइन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ लाइंग वर्टिकली एबव द फोकस इज टर्म्ड एज, एपिसेंटर, एपिसेंट्रल लाइन, और सी है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे सी सही है, पहला दोनों जवाब सही है। और एक नोट लिखा हुआ है, एपिसेंट्रल लाइन एंड एपिसेंटर बोथ आर सेम, ये दोनों सेम ही है, तो कोई भी एक आंसर रहेगा आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एपिसेंटर एंड हाइपोसेंटर इज नोन एज, फोकल डेप्थ, शॉक डेप्थ, वर्टिकल डेप्थ, हॉरिजेंटल डेप्थ। तो फोकल डेप्थ इसका सही होगा। एपिसेंट्रल डिस्टेंस इज डिफाइंड एज, पहला है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एपिसेंटर एंड हाइपोसेंटर, दूसरा है द पॉइंट और लाइन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ लाइंग वर्टिकली एबव द फोकस, सी है डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ नियरेस्ट इंटरेस्ट, और डी है हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन एपिसेंटर एंड हाइपोसेंटर। तो सी इसका सही होगा। एपिसेंट्रल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एपिसेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट ऑफ द डैमेजिंग अर्थक्वेक हैव शैलो फोकस विथ फोकल डेप्थ, अब फोकल डेप्थ के ऊपर पूछा गया है कि फोकल डेप्थ उसका कितना, लेस देन कितना होगा। ये सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, दो बार घुमा के इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने दो बार लिख दिया कि एक ही क्वेश्चन को दो बार किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये यहां पे है, ये भी आपने जान चुके हैं कि लेस देन 70 किलोमीटर होगा।
अगला है, कुछ मैंने नोट्स लिखे हैं। क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, इट विल बी आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड विथ डिफरेंट ऑप्शंस इन द फिगर रेफरेंस बिलो। ठीक है, तो मैंने एक फिगर वाला क्वेश्चन दे दिया है जिसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, इसमें चार पांच क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पांच के पांचों क्वेश्चन इनमें से कुछ भी आ जाए, एक्स का वैल्यू पूछ दे, वाई का वैल्यू पूछ दे, एन के वाई कुछ भी पूछ दे, जेड तो आप बता सकते हो। अगर मैं एक क्वेश्चन बताता तो आप एक ही वैल्यू जान पाते, तो यह फिगर आप ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12, एनी फिनोमिनन विच इज एसोसिएटेड विथ एन अर्थक्वेक सच एज सुनामी, लैंडस्लाइड, ग्राउंड शेकिंग, सरफेस फॉल्टिंग और ग्राउंड डिफॉर्मेशन इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं, इन सब फिनोमिनन से क्या होता है, अर्थक्वेक हैजार्ड हो जाता है, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड और इकोनॉमिकल हैजार्ड, ये सब कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ ड्रामेटिकली अपोजिट टू एपिसेंटर इज कॉल्ड एंटीसेंटर, इसका सही जवाब होगा सेंटर, एपिसेंटर और एंटीसेंटर ऑप्शंस में है तो एंटीसेंटर होगा। एक और नोट लिखा हुआ है, नोट ऑल्सो लर्न फोरशॉक एंड आफ्टर शॉक, सॉरी फोरशॉक और आफ्टर शॉक को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 14, मेन कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, कॉज क्या है, तो सुपरफिशियल कॉज, वोल्केनिक कॉज और टेक्टोनिक कॉज, तो ये तीनों कॉज होंगे मेन कॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, कोई भी एक आ सकता है आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, विच कॉज ऑफ अर्थक्वेक आल्सो कॉल्ड सरफेस कॉज, तो सरफेस कॉज किसको बोलते हैं, तीन कॉज आपको पता है, सुपरफिशियल, वोल्केनिक और टेक्टोनिक, तो सुपरफिशियल कॉज जो होता है उसको सरफेस कॉज भी बोलते हैं। अर्थक्वेक साइज इंक्लूड्स अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक इंटेंसिटी, तो ये दोनों इंक्लूडिंग होता है, दोनों के ऊपर अर्थक्वेक का साइज हम निकालते हैं दोनों की मदद से, मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है और इंटेंसिटी भी, तो दोनों आंसर हो जाएगा बोथ सी, आपके क्वेश्चन में कोई एक भी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, टेक्टोनिक कॉजेज अर्थक्वेक इज ऑकर ड्यू टू, ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रैप्चरिंग ऑफ रॉक मासेस, सेकेंड है जियंट सी वेव्स, तीसरा है माइनिंग ब्लास्ट और चौथा है वोल्केनिक आउटब्रस्ट। तो यहाँ पे जो कॉज होगा वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रैप्चरिंग ऑफ रॉक मासेस है, जो तीन अलग ऑप्शन है वो किसी दूसरे कोई ना कोई कॉज के हैं, तो मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बताया हूँ और एक दो क्वेश्चन और इस पे देता हूँ, बट आपको सारे कॉज के कॉज आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से टेक्टोनिक कॉज होता है, किस वजह से वोल्केनिक कॉज होता है, किस वजह से सुपरफिशियल कॉज होता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मैनमेड एक्सप्लोजन मे कॉज विच टाइप ऑफ अर्थक्वेक, तो फिर इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है सुपरफिशियल कॉज, वोल्केनिक कॉज और टेक्टोनिक कॉज, तो यहां पर सुपरफिशियल कॉज सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, दो थ्योरी इंपॉर्टेंट है यहां पे, तो यहां पे मैंने एक थ्योरी के बारे में पूछा है कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किसका है, किससे एसोसिएटेड है, तो जो थर्ड ऑप्शन है टेक्टोनिक कॉज उससे रिलेटेड है, एक और थ्योरी है अगर क्वेश्चन में मैंने नहीं पूछा है तो आप देख लेना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन, तो पहला ऑप्शन है सुपरफिशियल थ्योरी, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स और फोर्थ है सरफेस वेव थ्योरी, तो ये पहला और चौथा जो ऑप्शन है सुपरफिशियल थ्योरी और सरफेस वेव थ्योरी, ये दोनों कोई थ्योरी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी और सी जो है ये दोनों थ्योरी के बारे में जो मैंने आप लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था कि दो थ्योरी है, तो ये दोनों थ्योरी आपको पढ़ना है, तो ये वाले क्वेश्चन का सही जवाब है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, जो दूसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इससे मैंने और क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपको एक बार रिवाइंड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 21, टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स, बॉडी वेव, सरफेस वेव, बोथ, नन ऑफ दीज, तो ये जो बॉडी वेव और सरफेस वेव है ये दोनों सिस्मिक वेव है, दोनों के बारे में आपको रीड करना है कि बॉडी वेव क्या है, सरफेस वेव क्या है, उसके क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पी वेव एंड एस वेव आर एसोसिएटेड विथ, बॉडी वेव, सरफेस वेव और बोथ, तो बॉडी वेव से ही ये दोनों रिलेटेड हैं। अब पी वेव और एस वेव तो मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कई बार क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि पी वेव का फुल फॉर्म क्या है, एस वेव का फुल फॉर्म क्या है, शायद मैंने भी कुछ आगे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
पी वेव, तो वेव्स आर डिस्टोरियस, वेव डू नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल थ्रू विच दे पास, वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, और डी है वेव्स आर कैपेबल ऑफ पासिंग थ्रू द सॉलिड एंड लिक्विड। तो जो ऑप्शन डी है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी वेव है। तो आपको यहाँ पे तो मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा है, अगले एक दो क्वेश्चन और है। तो पी वेव, एस वेव या और दो टाइप के वेव हैं, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखना है। कोई भी क्वेश्चन रह सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने दे दिया, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर, जो मैंने तीन और ऑप्शन दिए हैं वो किसी ना किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं। फोर्थ वन है पी का, पी वेव का, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस वेव। तो ऑप्शन है वेव कॉजेज वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल थ्रू विच दे पास, फिर सेकेंड ऑप्शन है वेव डू नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल थ्रू विच दे पास। तो देखो दोनों एक तरह का क्वेश्चन है, और थर्ड वन है वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, और फोर्थ वन है वेव्स आर कैपेबल ऑफ पासिंग थ्रू द सॉलिड। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही जवाब है कि ये पास नहीं करता है, कौन से टाइप में, एस वेव में। अगला एक और वेव है एल वेव, तो विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल वेव। सेम टाइप के ऑप्शंस दिए हैं, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो यहां पे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है और मोस्ट स्लोएस्ट फास्टेस्ट भी है, कि कौन सा सबसे स्लोएस्ट है, कौन सा कम से कम डैमेज करता है। मान लो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, इनमें से चार वेव में से कौन सा कम, सबसे कम डिस्ट्रक्टिव है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा है। तो एल वेव आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, आपको देख लेना है कि सबसे कम कौन सा है। उसके बाद स्लोएस्ट और फास्टेस्ट का क्वेश्चन बनता है, तो मैंने यहां अगला क्वेश्चन फास्टेस्ट पे पूछा है, आपको स्लोएस्ट वाला भी देख लेना है। विच इज द फास्टेस्ट वेव अमॉन्ग द फॉलोइंग, पी वेव, एस वेव, एल वेव, एम वेव। तो पी वेव जो है वो सबसे फास्टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, द स्लाइड ऑफ अर्थ मास टेक प्लेस इन पीसेज इज कॉल्ड। जो स्लाइड है अर्थ मास का वो किस पीस में टेक प्लेस करता है, तो वर्टिकल प्लेट, हॉरिजेंटल प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट और टोपोग्राफिक प्लेट। तो टेक्टोनिक प्लेट सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ट्रांजिएंट एंड इंपल्सिव आर क्या है। तो ये एक लोड का क्वेश्चन है, कई सारे लोड होते हैं, पीरियडिक लोड, नॉन पीरियडिक लोड, स्टैटिक लोड। तो यहां पे ये नॉन पीरियडिक लोड के एग्जांपल हैं, एक तरह से टाइप ही है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड मापता है। तो यहाँ पे सिस्मोग्राफ है, स्पीडोमीटर है, एमीटर है, रिएक्टर स्केल है। रिएक्टर स्केल के बारे में आप लोग बहुत सुनते होंगे, 6 रिएक्टर स्केल, 6 आया है, 7 आया है, भूकंप जो आते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो ये जो हम न्यूज में सुनते हैं, जो आम आदमी सुनते हैं, वो रिएक्टर स्केल का ही सुनते हैं मैग्नीट्यूड, कि 6 स्केल से आया है, 6.3 से आया है, 8.5 से आया है, बहुत ज़्यादा बड़ा भूकंप है, 8 के से आ गया, 7.5 से आ गया, छोटा मोटा भूकंप है, 3.5 से आया। तो ये रिएक्टर स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम क्या मापते हैं, मैग्नीट्यूड मापते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं अर्थक्वेक मापने के लिए, लेकिन हम जो रियल वर्ल्ड में जो नॉर्मल यूज करते हैं वो रिएक्टर स्केल का मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, Which among the following is qualitative measure of earthquake? Magnitude, intensity, both or none of these? तो यहाँ पे qualitative और quantitative दो measurement होते हैं earthquake के। तो यहाँ पे मैंने question पूछा है qualitative के ऊपर जो intensity होता है, एक और question बनता है कि quantitative measurement कौन सा है, तो ये हो जाएगा magnitude। दो मेजरमेंट, इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि दो मेजरमेंट कौन से होते हैं अर्थक्वेक के, तो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों होते हैं, तो दोनों का आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 31, द सरफेस वेव इन विच मटेरियल पार्टिकल वाइब्रेट्स इन एलिप्टिकल पाथ इन द वर्टिकल प्लेन्स आर कॉल्ड। तो ये सारे ऑप्शन हैं, रैली वेव्स, लव वेव्स, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। तो रैली वेव्स इसका सही जवाब होगा। दो तरह के सरफेस वेव होते हैं, रैली वेव्स और लव वेव्स। तो इन दोनों के बारे में आपको देखना है, लव वेव्स का मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये भी एक टाइप है। और सरफेस वेव को ही एस वेव भी कहते हैं, पी वेव भी इंपॉर्टेंट है, एस वेव भी है इंपॉर्टेंट। सेकेंड है, अगले क्वेश्चन है 32, विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सिस्मोग्राफ। तो सेंसर, वाइब्रेटर, टाइमर, रिकॉर्डर,
तो इनमें से ये चार कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, आपको लगेगा कि सेंसर का टाइप ही वाइब्रेटर भी है, तो कंपोनेंट जो है इसमें नहीं पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं कौन सा है, वाइब्रेटर इसका पार्ट नहीं है, सेंसर होता है, टाइमर भी होता है, रिकॉर्डर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू रिएक्टर्स मैग्नीट्यूड स्केल, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक फॉर इंटेंसिटी 6 इज, अब जो रिएक्टर्स मैग्नीट्यूड स्केल है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी दिया हुआ है, तो कई सारे इंटेंसिटी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, तो सभी इंटेंसिटी जो मैग्नीट्यूड है वो सभी इंटेंसिटी का अलग अलग मैग्नीट्यूड का रेंज दिया हुआ है, आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन पूछा है एक इंटेंसिटी 6 का क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड होगा 4.8, बाकी आपको 7, 8 का देखना है, 9, 10 का देखना है, तो सारे कुछ का एक बार देख लेना है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू MSK इंटेंसिटी स्केल डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थक्वेक ऑफ एवोकनिंग इंटेंसिटी इज, तो ये भी एक स्केल है, रिएक्टर स्केल की तरह एक MSK स्केल भी है, तो इसमें कई तरह के आपको एक टेबल बना रखा है और उसमें भी कई तरह के इंटेंसिटी का रेंज दिया हुआ है, तो इस रेंज जो मैंने क्वेश्चन पूछा है एवोकनिंग इंटेंसिटी का, इस रेंज में कौन सा आता है, तो वाइब्रेशन इज फेल्ट बाय इंडिविजुअल एट रेस्ट, अर्थक्वेक इज फेल्ट इंडोर्स बाय अ फ्यू पीपल, अर्थक्वेक इज फेल्ट इंडोर्स बाय अ मेनी पीपल, अर्थक्वेक आर फेल्ट इंडोर्स बाय ऑल पीपल, तो ऑल पीपल के द्वारा है, तो ये जितने और तीन ABC जो कैटेगरी है, तो ये सारे भी डिस्क्रिप्शन है किसी ना किसी इंटेंसिटी का अकॉर्डिंग टू MSK स्केल। कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन एक दो ही हर टाइप का एक दो क्वेश्चन दिया है, अगर मैं हर कंटेंट पे 10-10, 20-20 क्वेश्चन देना शुरू कर दूं तो 500 क्वेश्चन भी कम पड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डैश सिस्मिक जोन्स, 4 सिस्मिक जोन्स में डिवाइड होता है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36, पॉइंट ऑन फॉल्ट प्लेन वेयर स्लिप इनिशिएटेड इज टर्म्ड एज एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, फॉल्ट स्क्रैप, हैंगिंग वॉल, तो इसका बी आंसर सही होगा, हाइपोसेंटर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने यहां पे बहुत ज्यादा उस पर क्वेश्चन नहीं बनाया, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन बनाता तो 4-5 क्वेश्चन इसमें से देता, लेकिन इतना ज्यादा इसमें कंटेंट है कि ये 4-5 क्वेश्चन कम पड़ जाते और आप 5 क्वेश्चन के ही भरोसे रहते कि क्लासिफिकेशन आप ये 5 क्वेश्चन में से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और मैं होप करता हूं वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि ये लास्ट टाइम प्रिपरेशन वीडियो है, तो मैं होप करता हूं कि आप लोगों ने स्टडी कर रखा है, और मैं आपको हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि लास्ट टाइम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ छूट गया तो फिर से आप एक बार रिवाइज कर लोगे लास्ट मिनट में, लास्ट डे में, ठीक है। तो एक मैंने यहां क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक से क्वेश्चन नहीं डाला है, और आपको ये बता फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं और क्या क्या आपको देखना है, एक बार लास्ट टाइम में आप देख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक कई तरह से होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, ऑन द बेसिस ऑफ फोकल डेप्थ, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड, तो ये सारे तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब लोकेशन जो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन होता है उसमें भी दो टाइप के हैं, इंटरप्लेट और इंट्राप्लेट, दोनों को एक बार आप देख लेना। फिर ऑन द कॉज पे आते हैं, ऑन द कॉज के भी दो टाइप है, नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक और टेक्टोनिक अर्थक्वेक। अब नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक के भी दो टाइप हैं, सुपरफिशियल अर्थक्वेक और वोल्केनिक अर्थक्वेक। जो क्वेश्चन टाइप 3 है अर्थक्वेक का वोकल डेप्थ के अकॉर्डिंग, तो उसके भी तीन टाइप हैं, सेलो अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक और डीप अर्थक्वेक। और चौथा जो टाइप है इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड, तो इसके 4-5 ऑप्शन है, इंस्ट्रूमेंटल, वेरी फीबल, स्ट्रॉन्ग, तो जिसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड, तो ज्यादा या कम, इस तरह से आपको याद रखना कि बहुत ज्यादा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत कम है, तो इंस्ट्रूमेंटल सबसे कम कैटेगरी है, और डिस्ट्रक्टिव जो बहुत ज्यादा कैटेगरी है, इंस्ट्रूमेंटल, वेरी फीबल, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग और डिस्ट्रक्टिव, तो ये सारे हैं इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका मैंने यहाँ पे MCQ कवर नहीं किया, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अगर मैं करने जाता तो 50-100 MCQ बन जाते। आपको एक बार अपने थ्योरी पार्ट से देख लेना है, अगर बुक अवेलेबल है तो बुक से या इंटरनेट से देख लेना है, या फिर आपके जो भी सब्जेक्ट नोट है उसे जरूर इन सब टॉपिक को देख लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, डायनेमिक लोड आर डिवाइडेड इन टू स्टैटिक लोड,
हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक लोड, ट्रांजिएंट और इम्पल्सिव, तो और लास्ट में नन ऑफ दीज। तो ये डायनेमिक लोड जो है इसको डिवाइड करते हैं हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक में। कई तरह के लोड होते हैं, शायद मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था लोड पे, तो इस लोड को भी आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 38, एक्टिव फॉल्ट इज एग्जिस्टिंग इन हिमालयन रेंज एज। अब कुछ जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ रियल वैल्यू पे भी आ जाते हैं कि मतलब रियल में यह हुआ है या रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस तरह के दो तीन क्वेश्चन मैंने दिए हैं। तो ऐसा फॉल्ट आपको बताना है जो हिमालयन रेंज, कई सारा मतलब आपके जो सिलेबस में है कई सारे रेंज इंडिया के, दूसरे रेंज में अभी दूसरे देश के रेंज में नहीं जाओगे, इंडिया के कई सारे रेंज हैं, उसको आप एक बार थ्रू आउट देख लेना। तो एक मैंने क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है, हिमालयन रेंज में कौन सा फॉल्ट एग्जिस्ट करता है आज के टाइम में भी, तो ग्रेट बाउंड्री, मेजर बाउंड्री, माइनर बाउंड्री, नन ऑफ दीज। तो ग्रेट बाउंड्री सही है, मेजर और माइनर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, अब फेमस पास्ट अर्थक्वेक ऑफ कच्छ जोन, कई तरह जोन भी बना रखा है इंडिया में, तो उस जोन को भी आप एक बार देख लोगे। तो यहां पे चार ऑप्शन है, चमोली अर्थक्वेक, भुज अर्थक्वेक, लातूर अर्थक्वेक और बिहार नेपाल। तो जो कच्छ जोन जो है वो कौन से स्टेट में पाया जाता है, वो मेनली गुजरात के स्टेट में होता है, जो गुजरात है इंडिया का वेस्ट कॉर्नर वहां पे है। तो भुज भी एक गुजरात का एक शहर है, आपको पता होगा कि 2001 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो यह भुज सही हो जाएगा। चमोली अर्थक्वेक जो चमोली जगह है ये उत्तराखंड में है, लातूर जो है ये छत्तीसगढ़ में है, और नेपाल और बिहार एक स्टेट ही है और नेपाल अपना एक कंट्री ही है। तो जो कच्छ जोन है वो गुजरात का है और गुजरात में ही भुज है, इस तरह से आपको याद रखना है। द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, कुछ इंपॉर्टेंट सिटी को भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से जोन में है, तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कैपिटल दिल्ली का, बाकी और भी कुछ आ सकता है, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर सब कुछ आ सकता है, जोन फोर में आता है, और हरियाणा भी देख लेना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आप HSBT दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट आर द कॉमन मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ मैसनरी बिल्डिंग। अब जो है ये मैं यूनिट टू में आ गया हूँ, पहला जितना 40 क्वेश्चन थे ये यूनिट टू वन का था, यूनिट वन में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, मैं चाहता तो 20-25 100 क्वेश्चन और बना सकता था, बट आपके पास टाइम कम है, मुझे टाइप बताना था, मैंने कोशिश किया है कि आपको हर टाइप का एक एक क्वेश्चन या जहाँ पे जरूरत था एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन बताया है, तो आप टाइप कवर करें पूरा यूनिट कवर हो जाएगा, उससे रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन हर क्वेश्चन पे बनते हैं। तो अब यूनिट टू पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट आर द कॉमन मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ मेजनरी बिल्डिंग, इन प्लान फेलियर, कनेक्शन फेलियर, आउट ऑफ प्लान फेलियर, डायग्राम फेलियर, डायफ्रेम फेलियर होता है, और इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे फेलियर कॉमन मोड है। तो अगर मैं कोई एक देता तो आप एक के बारे में पढ़ते हैं, यहां पे चारों पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउट प्लेन फेलियर। तो पहला ऑप्शन है इनएडिक्वेट और इम्प्रॉपर जॉइनिंग ऑफ वर्टिकल वॉल, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ क्रैक एट रूफ लेवल, तीसरा ऑप्शन है रप्चर ऑफ एक्सटीरियर वॉल, फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल क्रैक्स। तो ये सारे ऑप्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन आप नॉट वर्ड लगा हुआ है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बार बार नॉट वर्ड यूज किया था, तो नॉट वर्ड यहाँ पे मैं भी मैं लगाता हूँ, आपको मेंशन कर देता हूँ कि बाकी जो ऑप्शन है वो उसके सही जवाब है। क्वेश्चन में आपको सही वाला ज्यादा चांस है आने का, नॉट वाला कम चांस है, ये निगेटिव क्वेश्चन होता है, लेकिन मेरा देने का मतलब यह है कि आप एक तो जान जाओ कि नॉट वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरा कि वो सारे टर्म्स आप जान जाओ। तो ये BCD जो है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, आउट ऑफ प्लेन फेलियर के, तो पहला वाला जो सही जवाब हो जाएगा, इनएडिक्वेट और इम्प्रॉपर जॉइनिंग। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ आउटप्लेन फेलियर, तो इसका ऑप्शन ए है इनएडिक्वेट जॉइनिंग ऑफ वर्टिकल वॉल्स, बी है फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स एट रूफ लेवल, सी है पुअर एंड लिमिटेड टेंसाइल स्ट्रेंथ, और डी है कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग स्पैन डायफ्रेम ऑफ रूफ स्लैब। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक एट रूफ लेवल। क्वेश्चन नंबर 44, द सिस्मिक बिहेवियर ऑफ मेजनरी वॉल्स आर डिपेंड अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल डैश एंड डैश, इस तरह के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो मोर्टार सीयर पहला है, ब्रिक्स एंड मोर्टार दूसरा है, बिल्डिंग सीयर दूसरा, तीसरा है, ब्रिक्स एंड बिल्डिंग चौथा है। तो आप
इसका सही जवाब है ब्रिक्स एंड मोर्टर। इस तरह से घुमा के क्वेश्चन, मतलब एक ही टाइप के ऑप्शंस दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पैरापेट्स एंड स्लैब्स आर डैश कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग होते हैं। द मेन कॉज ऑफ इन प्लान फेलियर आर डैश एंड डैश, तो इसका बेंडिंग एंड सियर, जो लास्ट मैंने स्केल पहले क्वेश्चन पूछा था वो इस तरह का ही क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, द डैश फेलियर डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रॉपरली स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर बिल्डिंग, तो इसका है कनेक्शन फेलियर। फेलियर के ऊपर यहाँ पे बहुत सारा है, बहुत ज्यादा यूनिट 2 में नहीं है कंटेंट, लेकिन फेलियर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है। फॉर गुड सिस्मिक परफॉर्मेंस द इमेजिनरी वॉल्स शुड बी टाइड लाइक बॉक्स, क्यूब, सर्कुलर, लिनियर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बॉक्स। द सिस्मिक रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेडिशनली बिल्ड स्ट्रक्चर इज वेरी हाई, हाई, वेरी लो, लो, तो वेरी लो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द मैसनरी कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज नॉन इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन, इसको बोलेंगे, बाकी के ऑप्शन फर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मैसनरी बिल्डिंग्स आर डैश प्रोन टू डैमेज एज कंपेयर टू आरसी बिल्डिंग्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लेस प्रोन टू डैमेज एज कंपेयर टू आरसी बिल्डिंग, जो मैसनरी बिल्डिंग है वो आरसी बिल्डिंग के मुकाबले कम डैमेज होने की चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फेलियर ऑफ मैसनरी बिल्डिंग इज आउट ऑफ प्लान, द हॉरिजेंटल रेस्टिंग एलिमेंट सच एज रूफ स्लैब्स फ्लोर्स आर टर्म्ड एज डायफ्राम, और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इंक्लूड्स पैरापेट वॉल्स स्टेयर केस वाटर टैंक्स, तो ये सारे के सारे जवाब हो जाएंगे, ऑल द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, डायगोनल क्रैक्स आर ऑन पैरापेट्स इज अ केस ऑफ डैश फेलियर, तो ये भी फेलियर का क्वेश्चन है, इन प्लान फेलियर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन 55 क्वेश्चन का सेट बनाया है यूनिट 1 और 2 के लिए। कंटेंट बहुत ज्यादा है अर्थक्वेक में, सिलेबस इसका बहुत ज्यादा है, इसलिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन रहे थे, तो फिर भी मैंने बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस डाले हैं, इसलिए टाइम भी लगा है, आपको वीडियो भी अपलोड होने में टाइम लग गया, और कल आपका पेपर है, और मैं आगे की जल्दी से जल्दी कवर करके जितना जल्दी हो सकता है तो वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मिडनाइट हो जाएगा मुझे वीडियो डालते डालते। आप कमेंट बॉक्स में इतना जरूर लिखें कि अगले वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताऊं, या शॉर्ट में पीडीएफ आपको शेयर कर दूं, या बस क्वेश्चन आंसर बताऊं, क्योंकि टाइम कम है, मुझे शेयर करना है आपके साथ, आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम ना कि वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूँ, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, इस वीडियो को जरूर पढ़ें, और साथ में अपना नोट्स भी जरूर पढ़ें, क्योंकि वीडियो में कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही, सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही डाले जाते हैं, लक अच्छा रहा तो सेम क्वेश्चंस आ जाएंगे एज इट इज, बट अदरवाइज मेरा एडवाइस है कि वीडियो भी जरूर देखें और साथ में नोट्स भी पढ़ें, जहां जहां पे मैंने बताया है कि इन सब टॉपिक को देख लेना, उन सब टॉपिक को जरूर देख लेना। मैंने नोट हर टॉपिक को कवर किया है, जो टॉपिक मैंने नहीं क्वेश्चन दिया है वो भी आपको बता दिया कि इस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है अपने नोट्स से। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, जल्दी से जल्दी सबको, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे शेयर कर दीजिए, कल ही पेपर है, और एंड करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।